नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले कुछ समय से हमने एक ज्योतिष ज्ञान के नाम से सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम बेसिक से लेके एडवांस एस्ट्रोलॉजी तक पूरा पढ़ा रहे हैं। और उसके करीब 50 पार्ट हो चुके हैं, तो जिन लोगों ने नहीं देखे हों कृपया देख लें, तो सीखने में आसानी होगी। और ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप ये पार्ट्स देख लेते हैं तो आप एक अच्छे ज्योतिष बन सकेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मैं ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए आज के विषय पर चलता हूं। हम लोग अंतरदशा की बात कर रहे थे कि अंतरदशा नाथ जो है वो अगर बलशाली हो तो कैसे फल देता है, अंतरदशा नाथ अगर हमारा कमजोर हो तो वो कैसे फल देता है। ये दोनों बातें हम लोग कर रहे थे, उसको हमें शेयर करना है। तो बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बताया था कि महादशा नाथ जो होती है वो इंसान की प्रकृति को चेंज करती है, अंतरदशा नाथ फल देती है, और महादशा नाथ से इंसान की प्रकृति चेंज होती है। अब अंतरदशा ने अगर फल देने हैं और महादशा नाथ ने प्रकृति ऐसी कर दी कि आपके अंदर बहुत आलस्य है, आपके अंदर कामना करने की इच्छा है, तो क्या है कि आप उन फलों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और अगर अंतरदशा आपको कुछ थोड़े बुरे फल भी देने वाली है, लेकिन आपकी महादशा होने की वजह से ऐसी प्रकृति है कि आप बड़े अनुशासित हैं, आप बड़े पराक्रमी हैं, आप चीजों को बड़े तरीके से लेने वाले हैं, इमोशंस में जल्दी बहने वाले नहीं हैं, तो आप उस दुख को भी आसानी से सह जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि महादशा प्रकृति बनाती है इंसान की और अंतरदशा फल देती है। पीछे हमने बताया था कि अंतरदशा नाथ कैसे फल देते हैं, कि अगर लगन भाव का स्वामी बलवान हो तो क्या फल देता है, द्वितीय भाव का स्वामी बलवान हो तो क्या फल देता है, तीसरे भाव का स्वामी क्या बलवान हो तो क्या फल देता है। तो लगन से लेके 12 भाव तक के फल हमने देखे कि अगर ये लगन से लेके 12 भाव तक के स्वामी बलि हो तो किस प्रकार फल देते हैं। अब बलि होने का मतलब सीधा यही है कि उनके स्वामी केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बैठे हों, शुभ ग्रहों से ग्रस्त हो, शुभ राशि में हो, उच्च राशि में हो, स्वर राशि में हो, मित्र की राशि में हो, या शुभ ग्रहों से ग्रस्त और युक्त। यही चीज है कि कैसे ग्रह बलवान होगा। और अगर किसी भाव का स्वामी यानी भावेश, भाव के स्वामी को भावेश बोलते हैं, अगर किसी भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में नहीं है, छठे आठवें या बारहवें भाव में है, छठे आठवें या बारहवें भाव में है, नीच राशि में है, शत्रु राशि में है, अशुभ ग्रहों से ग्रस्त है, अशुभ ग्रहों से युत है, या सूर्य से अस्त, मतलब कहने का यह है कि अगर वो पीड़ित हो गया, कमजोर हो गया, निर्बल हो गया, तो फल कैसे मिलेंगे। तो डिफरेंट भावों के स्वामी अगर मजबूत हो तो कैसे फल मिलते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट भावों के स्वामी अगर कमजोर हो तो कैसे फल मिलते हैं। तो सबसे ऊपर इसके अंदर आता है लगन। लगन इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट होता है। उसमें कहा जाता है कि लग्नेश की दशा अगर हो, लग्नेश की दशा हो और लग्नेश कमजोर हो कुंडली के अंदर, छठे आठवें बारहवें भाव में हो, नीच राशि में बैठा हो, या सूर्य से अस्त हो, या अशुभ ग्रहों से त्रस्त या युक्त हो, तो उस केस में जातक को जेल जाने का भय भी रहता है, अज्ञातवास का भय रहता है, उसके स्वास्थ्य में हानि हो सकती है, ये सब परेशानी उसे होती है, निरंतर भय बना रहता है। दूसरी चीज इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर दूसरा भाव का स्वामी कमजोर हो, दूसरे भाव का स्वामी अगर कमजोर हो तो क्या होगा। दूसरा भाव हमारा होता है परिवार का भाव, वाणी का भाव, कुटुंब का भाव, दूसरा भाव धन का भाव होता है। तो अगर ये भाव हमारा कमजोर हो तो आदमी की वाणी बिगड़ जाती है, और वाणी ऐसी बिगड़ जाती है कि उसको स्टेज पे खड़ा कर दो, बोलने में एकदम जड़ हो जाए, उसको तो समझ नहीं आएगा मैं क्या बोलूं, कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा। उसका धन जो है 6 होगा, कुटुंब इधर उधर बिखर जाएगा, नेत्र रोग होगा, वाणी में दोष होगा अगर ऐसा हो। तीसरे भाव का स्वामी अगर कमजोर हो, 6 8 12 में हो, अशुभ ग्रहों से ग्रस्त हो, युत हो, अस्त हो, तो क्या होगा। तो तीसरे भाव से देखते हैं हम भाई बहन के बारे में, तो छोटे भाई बहनों को तकलीफ होती है, पराक्रम में हानि होती है, आपकी कला में हानि होती है, कला भी हम इसी भाव से देखते हैं, छोटी मोटी जर्नी आपकी अनावश्यक बढ़ जाती है, वो भी हम इसी भाव से देखते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको होनी शुरू हो जाती है, यानी जो थर्ड भाव से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं वो आपको होनी शुरू हो जाएंगी।
चौथा भाव, चौथे भाव का स्वामी यदि निर्बल है तो उसकी दशा में माता को कष्ट होता है, मानसिक शांति नहीं मिल पाती है। आप मकान खरीदते हैं तो उस मकान में कोई ना कोई लीगल आर्बिट्रेशन या लीगल केस कुछ लग जाता है। प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो प्रॉब्लम होती है, कन्वेंस खरीदते हैं तो प्रॉब्लम होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो खेती में प्रॉब्लम होती है। तो कहने का मतलब यह है कि चौथे भाव से संबंधित जो भी चीजें हम लोग देखते हैं उन सबके अंदर प्रॉब्लम आ गई अगर चौथे भाव का स्वामी कमजोर हो और उसकी अंतर्दशा। पांचवें भाव का स्वामी कमजोर हो और उसकी अंतर्दशा हो तो क्या होगा? पांचवा भाव होता है राजा की कृपा का भाव। राजा की कृपा मतलब ये है कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, सीईओ जो कंपनी का है या कंपनी का ऑनर जो है या कंपनी का एमडी जो है, चेयरमैन है, वो आपको कितनी इंपॉर्टेंस देता है। तो अगर वो आपको इम्पोर्टेंस देता है और पांचवें भाव का स्वामी कमजोर है और उसकी दशा आ गई, अंतरदशा आ गई, तो इम्पोर्टेंस मिलनी कम हो जाए। पांचवें भाव से संबंधित जो जो रिजल्ट है, संतान से समस्या होगी, उनसे प्रॉब्लम हो सकती है, बुद्धि विवेक की हानि हो सकती है, पेट की बीमारी हो सकती है, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो पांचवें भाव से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं वो सारी इसमें हो सकती है। अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं वो आप उसमें आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। आप शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल पाएगी अगर पांचवें भाव का स्वामी कमजोर है और वो उसकी अंतर्दशा है। अगर छठे भाव का स्वामी कमजोर है और उसकी अंतर्दशा है तब क्या होगा? तो चोरों से डर होगा, रोग होगा, आपके ऊपर ऋण हो जाएगा, जातक से दुष्कर्म बन पड़ेगा, जातक के साथ लोग बुरा व्यवहार करेंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है अगर कमजोर होगा छठे भाव का स्वामी। और छठे भाव का स्वामी कमजोर कैसे होगा? सिंपल बात है कि छठे आठवें बारहवें भाव में हो, केंद्रीय कोण लाभ भाव में ना हो, बुरे ग्रहों से त्रस्त हो, बुरे ग्रहों से युत हो, अशुभ ग्रहों से मतलब जो आपके नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह हैं उनसे त्रस्त हो, उनसे युत हो, अशुभ राशि में हो, अशुभ ग्रह की राशि में हो, शत्रु राशि में हो, नीच राशि में हो या सूर्य से अस्त। अब आते हैं सप्तमेश के ऊपर। यदि सप्तमेश निर्बल हो तो उसकी दशा में जमाता को कष्ट होता है, जातक को अपनी स्त्री से विरह होता है और स्त्री के कारण बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। तो निर्बल सप्तमेश की जो अंतरदशा होती है उसमें आदमी के वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम भी हो जाती है। अगर बिजनेस कर रहा है तो पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम हो जाती है। आठवें भाव का स्वामी अगर बिगड़ा हुआ है, आठवां भाव किस चीज का है? कलह का भाव, पीड़ा का भाव, मृत्यु कारक कष्ट का भाव, ऑकल्ट साइंस का भाव। उसका स्वामी अगर बिगड़ा हुआ है तो मृत्यु कारक कष्ट होते हैं, घर में कलह होती है, घर में पीड़ा होती है। आप कोई ज्योतिष का काम या कोई भी ऑकल्ट साइंस जो आप गुप्त विद्या सीखना चाहते हैं आप उसके अंदर सक्सेस नहीं हो पाते, ये सारी चीजें उसके अंदर होनी शुरू हो जाती है। नवे भाव का स्वामी यदि बिगड़ा हुआ हो, कमजोर हो, तो क्या होगा? भाग्य में हानि होगी, धर्म की हानि होगी, पिता से संबंध अच्छे नहीं बनेंगे आपके। दसवें भाव का स्वामी बिगड़ा हुआ हो तो आपके प्रोफेशन में अप डाउन रहेगा। जो भी दसवें भाव से देखते हैं, आप कोई काम स्टार्ट करेंगे वो काम आपका सक्सेसफुल नहीं होगा, आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, वो प्रॉब्लम्स होंगी। ग्यारहवें भाव का स्वामी यदि कमजोर हो, बिगड़ा हुआ हो, बिगड़ा हुआ कैसे? जैसे मैंने पीछे बताया कि छठे आठवें बारहवें भाव में हो, अशुभ ग्रहों से त्रस्त हो, अशुभ ग्रहों से युत हो, शत्रु राशि में हो, नीच राशि में हो या सूर्य से अस्त हो, तो बात है बिगड़ने की। तो यदि एकादश भाव का स्वामी निर्बल हो, बिगड़ा हुआ हो, तो आपको लाभ में कमी आएगी, आपके इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह कमजोर हो जाएंगे, आपके बड़े भाई बहनों से आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे, आपको कान का रोग हो सकता है, आप ठगे जा सकते हैं, इस तरह की सारी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसी प्रकार से आता है व्यय भाव। व्यय भाव से हम देखते हैं हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर, विदेश यात्रा, शैया सुख, रातों की नींद, ये सारा हम बारहवें भाव से देखते हैं। अब बारहवें भाव का मालिक अगर निर्बल हो गया, छठे आठवें बारहवें भाव में चला गया, अशुभ ग्रहों से त्रस्त हो गया, अशुभ ग्रहों से युत हो गया और शत्रु राशि में चला गया या नीच राशि में चला गया या अस्त हो गया, तो क्या होगा? तो आपको नींद ना आने की समस्या हो जाएगी, शैया सुख आपको नहीं मिलेगा, आपको अनेक बीमारियां हो सकती हैं, आपके हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर बढ़ सकते हैं, आपके अननेसेसरी व्यय बढ़ सकते हैं। अगर विदेश आप जाते हैं तो विदेश की यात्रा आपकी असफल यात्रा रहेगी,
उसमें सफलता नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से देखा जाता है। मतलब कहने का ये है कि यदि भावेश बलवान है, यदि किसी भाव का स्वामी बलवान है तो उस भाव से संबंधित फल अच्छे मिलते हैं, और किसी भाव का स्वामी कमजोर है तो उस भाव से संबंधित फल में कमी आती है। ये दो चीज इसके अंदर याद रखनी है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आए तो कोई चीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको जवाब सर्टिया मिलेगा, सर्टेनली आपको जवाब दिया जाएगा इसका, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, एडवांस एस्ट्रोलॉजी की। उसके अलावा ग्रहों के उपाय के बारे में भी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो दिए गए नंबर पर संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।